नेशनल शूटर तारा शाहदेव लव जिहाद मामले में 9 साल बाद इंसाफ मिल गया है। झारखंड के चर्चित तारा शाहदेव लव जिहाद केस में विशेष सीबीआई कोर्ट ने 9 साल बाद फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल को नेशनल शूटर तारा को धोखा देने और जबरन धर्मांतर कराने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि रकीबुल की मां कौसर रानी को भी दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई है और साजिश रचने के आरोपी हाईकोर्ट के तत्कालीन रजिस्ट्रार मुस्ताक अहमद को 15 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं तीनों दोषियों पर कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं चुकाने पर आरोपियों को 6-6 महीने और जेल में रहना होगा। तारा ने कोर्ट के न्याय पर संतोष जाहिर किया। उन्होंने कहा कि यह न्याय केवल उन्हें नहीं मिला है, बल्कि यह ऐसी हरकत करने वालों को सजा पाए बिना नहीं छूटने देने की दिशा में एक कदम है। तारा ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले से पूरे देश की बेटियों को ऐसे अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाने का आत्मविश्वास मिलेगा। चलिए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल तारा शाहदेव झारखंड की राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज थी। नेशनल लेवल पर खेलने के दौरान ही तारा की मुलाकात रकीबुल से हुई थी। यह मुलाकात रांची हाईकोर्ट के तत्कालीन रजिस्ट्रार मुस्ताक अहमद ने कराई थी, जिनकी पीली बत्ती की गाड़ी में बैठकर रकीबुल आता था। उनके साथ धनबाद डीएसपी और गढ़वा एसपी भी होते थे। सितारा रकीबुल से प्रभावित हो गए। दोनों की मुलाकातें बाद में प्यार में बदल गई। रकीबुल ने अपने मुस्लिम होने की बात तारा और उसके परिवार से छिपा कर तारा से शादी कर ली। इसके बाद दोनों रांची में एक फ्लैट लेकर साथ रहने लगे। तारा ने रंजीत सिंह कोहली पर धोखा देकर शादी करने का आरोप लगाया था। तारा ने बताया था कि उन्होंने 7 जुलाई 2014 को हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक रंजीत कोहली और रकीबुल हसन से शादी की, लेकिन शादी के दूसरे दिन ही उसके पति और रजिस्ट्रार अहमद उस पर धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का दबाव बनाने लगे थे। ऐसा नहीं करने पर उसकी पिटाई की जाती और कुत्ते से भी कटवाया जाता था। तारा के मुताबिक कई कई दिनों तक उसे खाने को भी नहीं दिया जाता। रकीबुल और उसकी माँ दोनों तारा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया करते थे। साथ ही धमकी दी जाती थी कि अगर वह चाहती है कि उसकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल रहे तो वह इस्लाम कबूल कर ले। तारा को चेतावनी दी थी कि वह सिंदूर नहीं लगाए, नहीं तो उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। ससुराल वालों की ओर से दहेज की भी मांग की गई। उसके बाद नेशनल शूटर तारा ने जुलाई 2014 में यौन उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन के लिए उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इससे पहले रांची के स्पेशल सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने इस केस में अपना फैसला सुनाया था। अदालत ने रकीबुल, उसकी मां और हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को दोषी करार दिया था। सीबीआई ने 2015 में जांच अपने हाथ में ले ली और दिल्ली में मामला दर्ज किया। वहीं तारा को क्रूरता के आधार पर 2018 में रांची के एक परिवार अदालत ने तलाक दे दिया था। तारा ने अदालत में याचिका दायर की थी कि हसन ने अपने धर्म के बारे में गलत जानकारी दी थी और उन्हें शादी के लिए धोखा दिया था। अब इस मामले में नेशनल शूटर तारा को इंसाफ मिल गया है। इंसाफ मिलने के बाद तारा ने कहा कि यह न्याय केवल उन्हें नहीं मिला है, बल्कि यह ऐसी हरकत करने वालों को सजा पाए बिना नहीं छूटने देने की दिशा में एक कदम है। कोर्ट के इस फैसले से पूरे देश की बेटियों को ऐसे अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाने का आत्मविश्वास मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।